हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। तो आज मंडे है और आज की डेट हो गई कितनी है? 16। गुरु जी है ना, तो इन्हीं को पता होगा जिन्होंने पढ़ा है स्कूल में। हम इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज टीचरों को होता है। तो आज 16 जनवरी हो गई है और अभी शाम के 7:45 बज चुके हैं और हम लोग अभी पी रहे हैं शाम की चाय, क्योंकि मैंने भी आज चाय नहीं पी है। ये आने मैंने सोचा ये आएंगे तो फिर साथ साथ ही चाय पियेंगे, और इनके आने के चक्कर में 7:45 बज चुके हैं और अब मैं शाम की चाय पी रही हूँ। तो अभी शाम तक मैंने जो मैंने हमने 14 जनवरी का एक ब्लॉग लिया, वो आज आप लोगों के पास आएगा। 16 जनवरी को आएगा। 14 जनवरी का ब्लॉग बना हुआ था लेकिन 15 को भी मैं एडिट कर नहीं पाई। आज 16 जनवरी को वो आपके पास पहुंचने वाला है। तो अभी तक मैं वही काम कर रही थी, बस ब्लॉग एडिट किया और बस ब्लॉग अपलोड होने वाला है। तो वो ब्लॉग आपके पास आएगा, सुरकंडा माता का जो ब्लॉग है, तो देखिएगा। आपने आप लोगों के साथ पूरा वहाँ का शेयर कर रखा है कि कैसे वहाँ है और कितनी, मतलब माता कहाँ पर कितनी ऊँचाई पर है और कितने सुंदर वहाँ के नज़ारे हैं। तो अभी चाय पी रहे हैं और आज बना रही हूँ मैं खाने में गाजर का हलवा। तो पूरा सीजन निकल ही चुका है, समझ लीजिए। दिसंबर भी चला गया, जनवरी भी, आज 16 हो गई, अभी तक हमने गाजर का हलवा नहीं खाया है। तो आज सुबह गाजर का हलवा बन रहा है और बस उसी के लिए मैं इनका वेट कर रही थी। मैंने कहा ये आएंगे तो तभी बनाऊंगी, पहले चाय पी लूँगी फिर इसके बाद आगे की तैयारी करते हैं। तो चलिए चाय पीजिए और वीडियो पर बने रहिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है और काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि एक बार बैठ जाए ना गप्पे वगैरह लगने लगे तो चाय पीते पीते बहुत टाइम निकल जाता है। तो खाना बनाने के लिए जाती हूँ किचन में, और उससे पहले मुझे करनी है अपने लिए मेहंदी भिगानी है कल के लिए, क्योंकि बाल काफ़ी सफ़ेद हो गए हैं, काफ़ी लंबा टाइम गुजर गया है और मैंने तब से बालों में मेहंदी नहीं लगाई है। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रखे हैं इन जगहों से, क्योंकि अब बालों को आदत पड़ गई है ना। तो 15-20 दिन 25 दिन ऊपर हो जाए तो बाल एकदम मतलब फिर से बोलते हैं कि मेहंदी लगाओ। तो चलिए किचन में चलते हैं और मेहंदी भिगाती हूँ, फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। हर्बल मेहंदी है जिसको मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ और इसमें मैं डालूँगी आज ये वाला नींबू। तो ये पहाड़ के नींबू हैं, गाँव से ला रखे हैं हमने, तो इन नींबू को रस में इसमें डाल दूँगी। तो ये दो पाउच हैं छोटे छोटे मेहंदी के, तो वही मैंने ला रखे हैं बालों के लिए, क्योंकि पूरे सर पे तो नहीं लगाने, बस आगे आगे से ही मुझे लगाने हैं, तो इसलिए छोटे छोटे से पैकेट हैं 10-10 वाले, तो यही हो जाएंगे। और इनमें मैंने आप लोगों को दिखाया है ख़ास चीज़ है, नींबू डाल रही हूँ मैं, तो क्योंकि डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है सर में आजकल, सर्दियों की वजह से सर में अक्सर देखते होंगे आप डैंड्रफ काफ़ी हो जाता है। तो मैं ये नींबू मैंने गाँव से ला रखे थे, तो पहाड़ी नींबू है ये और काफ़ी रस रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वही मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने कहा साथ साथ नींबू भी लग जाएगा सर में, तो इससे डैंड्रफ से काफ़ी आराम मिल जाता है। कि अगर नींबू है आपके पास तो कोई सा भी नींबू, छोटा नींबू बड़ा नींबू, जब भी आप मेहंदी लगाएं तो उसमें नींबू ज़रूर डालिए। बाकी तो इसमें कलर वगैरह कुछ ज़्यादा इतना डालने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कुछ और नहीं करना होता है कि चलो कलर आ जाए, क्योंकि इसमें कलर बहुत आसानी से आ जाता है और इतना कुछ ये ज़रूरत नहीं पड़ती हम ये डालें वो डालें, तो कलर तो आ ही जाता है क्योंकि केमिकल होते हैं इसमें। तो इस वजह से सिर्फ मैं नींबू ही डालूंगी इसमें, और अभी रात को भिगा दूंगी, सुबह उठते ही मैं पहले इसको लगा लूंगी, क्योंकि फिर फटाफट से सूख भी जाएगी और कलर भी दे देगी। तो चलिए, गाजर सारे धुल चुके हैं मेरे और सूख भी गए हैं, तो अब इनको कद्दूकस कर लेती हूँ मैं। तो पहले इनके पीछे का ये वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, देखिए। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे ना इनको। एक किलो गाजर है ये,
तो गाजर कद्दूकस कर लिया है मैंने, और अब मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। और जो मैं हलवा बनाती हूँ वो बनाती हूँ मैं बिना घी वाला, तो मैं इसमें घी नहीं डालूंगी और ना ही मैं इस गाजर को निचोड़ूंगी। ये जैसा है उसी हिसाब से मैं इसमें डालूंगी कढ़ाई में बिल्कुल, क्योंकि हमें घी इसमें पसंद नहीं है, तो बिना घी वाला बनाऊंगी मैं इसको। तो आटे सॉरी तो हलवे में घी भी डालती हूँ ना मैं, तो इस वजह से मैं इसको इस तरह इसी तरह बनाती हूँ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए जब तक इसमें पूरा पानी ये सोख नहीं लेगा ना, उसके बाद ही मैं इसमें वो डालूँगी, मावा तो मिला नहीं लेकिन मैं इसमें बर्फ डालूँगी। अब मैं डाल दूंगी इसमें एक कटोरी दूध, तो गरम दूध है ये देखिए, और इसको डाल दूंगी इसमें। ज़्यादा दूध नहीं डालना है, बस थोड़ा सा दूध की ज़रूरत पड़ती है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी बर्फी, तो मावा तो नहीं मिला तो इस वजह से मैं इसमें बर्फी डाल दूँ, तो चलिए बर्फी को डाल देते हैं। तो पूरा खाना तैयार हो चुका है, ये हलवा बन चुका है, और ये दिन की राजमा थी देखिए, और मैंने इसमें फिर से तड़का लगा लिया है दिन की राजमा में। चलिए हलवा सर्व कर, चलिए
रिशिदा को बहुत ज्यादा भूख लग गई, देखिए आ गई है, हलवा बनाया ना गाजर का, इसलिए किचन में पहुंच गई। अश्ना मना है गाइस, इस बार की विंटर्स मम्मी ने पहली बार बनाया गाजर का हलवा। अब मैं बताती हूँ कैसा है, बता दे। डिलीशियस, वेरी वेरी डिलीशियस। आप भी खा लो अपने घर पर बना के। तो अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ ना खाना खाने के बाद, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि 10:30 बज चुके हैं। तो सचमुच 10:30 बज जाते हैं, क्योंकि जब तक मैं किचन का काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, किचन साफ करती हूँ ना, तब तक हमेशा मेरे 10:30 बज जाते हैं। और ये देखिए, अभी तक इनकी टीवी चल रहा था, न्यूज़ वगैरह चल देख रहे थे ये, जो कि उत्तराखंड में हमारे जोशी मठ में जो भी हुआ ना, वही सब देखे। उस दिन से इनका लगातार उसी पे ध्यान है पूरा, कि मतलब कैसे हमारे लोग रो रहे हैं, घर से बेघर हुए हैं, तो वही सब चल रहा था न्यूज़ में और वही देख रहे। तो अभी मैंने अंदर आते मैंने कहा चलो टीवी बंद कर लो। तो अभी देखिए अब बोल रहे, मैंने कहा मैं देखिए गुड नाइट, क्योंकि मैंने टीवी बंद किया ना, और मैंने कहा मैं थोड़ा सा वीडियो में बोलती हूँ, तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसे बोल दी कि गुरजी सो गई गुरजी सो गई कि गुड नाइट भाई। तो आज देखा आपने आज की रेसिपी में गाजर का हलवा वगैरह बनाया था, और दिन की मैंने राजमा बनाए थे ना, दिन में दाल चावल, जब ये स्कूल से आई, इनके स्कूल खुल गया आजकल, इन्होंने बहुत आराम किया इतने दिन, और अब फिर से ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। तो फोन से अंधेरा आ रहा, तो दिन के इसलिए मैंने एक्स्ट्रा राजमा बना रखी थी, मैंने सोच लिया था दिन में ही आज गाजर का हलवा बनेगा, क्योंकि पूरा सीजन चला गया था, हमने गाजर का हलवा नहीं खाया था, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बना था? बहुत जबरदस्त। जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी। तो अभी तो रात के 10:30 के से ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, तब तक आप सभी को हमारा गुड नाइट। गुड नाइट।